नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन देखना शुरू कर चुके हैं आप, खबर तो समझिए। इस आधे घंटे में हम आपको खबर तो दिखाएंगे ही, साथ ही खबरों की पेचीदगी भी सुलझाएंगे। तो वो कौन सी होगी मुख्य खबरें जिस पर होगी हमारी नजर, पहले वो जान लेते हैं। आज की चार बड़ी खबरें देखिए। पहली खबर है, चिराग तले अंधेरा आखिर कौन कर रहा है, ये आपको डिटेल में समझाएंगे। इन दिनों चिराग पासवान चर्चा में क्यों हैं, ये भी आपको आगे बताएंगे। और इसके बाद आपको समझाएंगे चंपाई बार बार आदिवासी हित की बात आखिर क्यों कर रहे हैं। चंपाई सोरेन भी इन दिनों सियासत के लिहाज से बहुत ज्यादा चर्चा में है, वो भी आपको आगे बताएंगे। और इसके बाद असम विधानसभा में दो घंटे के ब्रेक पर आखिर रोक क्यों लगाया गया है, वो भी आपको बताएंगे। और इसके बाद आपको बताएंगे शैलेंद्र को सम्मान आखिर कब मिलेगा, ये भी आपको डिटेल में बताएंगे। और इसके अलावा भी कई बड़ी खबरें होंगी जिस पर हमारी मुख्य तौर पर नजर रहेगी। आप बस देखते रहिए, खबर तो समझिए। आरजेडी ने चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी में टूट की भविष्यवाणी की है। आरजेडी नेताओं ने कहा है कि बीजेपी चिराग की पार्टी के तीन सांसदों को तोड़ने में लगी है। आरजेडी के दावे पर एलजेपी आरबी और बीजेपी की ओर से पलटवार किया गया है। सवाल है कि चिराग तले कौन अंधेरा फैलाने की कोशिश कर रहा है और आखिर क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या फिर से टूटेगी चिराग की पार्टी? बिहार की सियासत में एक बार फिर ये सवाल हिलोरे मार रहा है। इसकी वजह है आरजेडी की ओर से चिराग की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में टूट की भविष्यवाणी। आरजेडी की ओर से दावा किया गया है कि बीजेपी चिराग की पार्टी के तीन सांसदों को तोड़ने में लगी है। रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुई, उनको पता है कि पिछली बार लोक जनशक्ति पार्टी को कई टुकड़ों में तब्दील जिन लोगों ने किया और जो लोग उस भूमिका में सक्रिय थे और वही लोगों को आपने टिकट दिया, तो जो जीत के आए हैं दो महिला एक पुरुष, उनकी स्थिति क्या होगी तो सबको पता है। चिराग की पार्टी को लेकर आरजेडी की ओर से की गई भविष्यवाणी के बाद बिहार की सियासत में उबाल आ गया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद अरुण भारती ने आरजेडी पर पलटवार किया है। अरुण भारती ने कहा कि आरजेडी भ्रामक खबर फैलाने का काम कर रही है। एनडीए गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। हम राजद की इस चाल को उजागर करते हैं और साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि हमारा गठबंधन एनडीए के साथ अटूट है और हम मिलकर देश की प्रगति के लिए काम करते रहेंगे। एलजेपी रामविलास को लेकर आरजेडी के दावे पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने भी पलटवार किया है। शाहनवाज ने कहा कि आरजेडी अपनी पार्टी पर ध्यान दें, अफवाह फैलाना बंद करें और ये देखें कि उनके पार्टी के लोग छोड़कर आखिर क्यों जा रहे हैं। आरजेडी अपनी पार्टी की फिक्र करे, चिराग पासवान के फिक्र में दुबली न हो। चिराग की पार्टी के सांसदों के साथ साथ बीजेपी ने भी आरजेडी के दावे को बकवास बताया है और आरजेडी नेताओं को भ्रम न फैलाने की नसीहत दी है। वैसे विपक्ष को इस तरह का दावा करने के मौके उन पांच असहमति के बाद मिला जो चिराग पासवान ने बीजेपी और केंद्र सरकार के फैसले पर जताया था। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चिराग पासवान ने अपनी पार्टी में टूट की खबर का खंडन किया है। चिराग पासवान ने कहा है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, जो इस तरह की मंशा पाले हुए हैं वो भ्रम में हैं। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भ्रम फैलाने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। आज की तारीख में जो विपक्ष के द्वारा ये भ्रम फैलाया जा रहा है मेरी पार्टी और सांसदों को लेकर, ये उसी साजिश को हवा देने की सोच है जो 2021 में रची गई थी और जिसकी वजह से इन लोगों को लगा था कि शायद चिराग पासवान को ये लोग समाप्त कर देंगे, पर ना उस वक्त ये लोग चिराग पासवान को समाप्त कर पाए। लोग सोचते हैं कि पार्टी में इस तरीके की टूट हो, वो अपनी ख्वाहिशों को पर देने का काम कर रहे हैं। वो ऐसा चाहते हैं कि ऐसा हो, पर किसी की चाह से कुछ हो ऐसा होता नहीं है। उनकी ख्वाहिश जरूर है कि उनको तसल्ली मिलेगी अगर ऐसा हो, पर अफसोस कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, तो इस बार ऐसा कुछ होने वाला नहीं है।
आइए अब जानते हैं कि वो कौन कौन सी पांच असहमति है जिसकी वजह से आरजेडी को चिराग की पार्टी में टूट की भविष्यवाणी करने का मौका मिल गया। ये आपको ग्राफिक्स के जरिए बताना चाहेंगे कि आखिर वो कौन कौन सी बात है। देखिए, पहला है कोटे में कोटा के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अलग स्टैंड रखा, यानी कि चिराग पासवान ने जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोटे में कोटा देने की बात सामने आई तो इस पर उन्होंने अलग स्टैंड रखा। और दूसरा, वक्फ बोर्ड बिल को जेपीसी में भेजने की मांग चिराग पासवान ने रख दी। और तीसरा, लेटरल एंट्री में नियुक्ति के मामले पर केंद्र सरकार को घेरा, इस मामले को लेकर के भी केंद्र सरकार के खिलाफ इन्होंने बोला। और उसके बाद चौथा है जातीय जनगणना पर भी विपक्ष के सुर में सुर मिलाया चिराग पासवान ने। और पांचवा है झारखंड और जम्मू कश्मीर में जम्मू में चुनाव लड़ने का ऐलान चिराग पासवान ने किया। और ये आपको ये सब इन्होंने जो असहमति जताई है इन मामलों पर, इसको भी आपको आगे समझाते हैं। और देखिए, समझाते हैं ये भी कि चिराग तले अंधेरा आखिर कर कौन रहा है। तो देखिए, बिहार में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है 2025 में। फिलहाल एनडीए की स्थिति बहुत मजबूत है बिहार में। गठबंधन बरकरार रहा अगर तो इंडिया अलायंस को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, इंडी गठबंधन को मुश्किल हो सकती है। और यही वजह है कि आरजेडी की ओर से एनडीए में फूट डालने की कोशिश हो रही है। तो आरजेडी नेता चिराग की पार्टी में टूट का दावा कर रहे हैं। आरजेडी नेताओं का यह दावा है कि बीजेपी चिराग की पार्टी को तोड़ना चाहती है, लेकिन एनडीए नेताओं ने आरजेडी के दावे को बकवास बता दिया है। और चिराग पासवान ने भी ये कह दिया है, चिराग पासवान ने भी अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है और कह दिया है कि उनकी पार्टी पूरी तरह से एकजुट है और वो एनडीए के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं।